चालू हो गया? हो गया। कैसे हैं आप लोग? ऐसी सुंदर जगह है कि मैं अगली मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा हूं। आपने फंसा दिया मुझे। मुझे लग रहा है कि यहां अगली मीटिंग में ना जाऊं, यहीं आपके साथ एक दो दिन रहूं। आप सबका यहां दिल से स्वागत करता हूं। आपसे मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को, पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले,
और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।